आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है। कैसे होंगे घर घर स्वर्ग? सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है और दैवी गुण भी धारण करनी है। कर्म इंद्रियों को दैवी गुणों से उनों से कर्म कराना है तो कर्म इंद्रियां भी दिव्य बन जाए, और वो दिव्य अभी कर्मों से दिव्य बनेगी तो फिर भविष्य में सतो प्रधान देवता स्वरूप धारण कराएंगी। आज का प्रश्न मुरली में, ईश्वरी गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? हर एक का अपना अपना होगा ना। ईश्वरी गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? मंगल मिलन मनाने का। किससे मंगल मिलन? किसका और किससे मंगल मिलन मनाने का अनुभव? ईश्वरी गोद में आने वाले बच्चों को ही होता है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो संगम युग है, ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तो ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। मिलन ईश्वर से मनाने का कितना बड़े से बड़ा फायदा, भारत को ही स्वर्ग बना देते हैं। बाबा कहते हैं, इस समय तुम बच्चे ही बाप के से सन्मुख में मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सन्मुख मिलन नहीं मना सकते। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वरी कुल है। शिव बाबा है दादा, कौन सा कैसे है कुल हमारा? शिव बाबा है हमारा दादा और ब्रह्मा बाप है हमारा बाबा, और हम सब बच्चे हैं भाई और बहन। दूसरा कोई भी हमारा संबंध नहीं, एक ही हम सबका आपस में संबंध। हम भाई बहन, एक बाप एक माता। बाप कौन? शिव बाबा हमारा बाप, परंतु दादा बोला है, और ब्रह्मा है बाबा, और हम सब बच्चे वो हो गए आपस में बाप के संबंध में बच्चे, और आपस में हो गए सब भाई और बहन। इसलिए और कोई भी प्रकार का संबंध आपस में नहीं जोड़ना है। आज का गीत, नई उम्र की कलियां देख रही दुनिया सारी, हम सबको सारी दुनिया देख रही है। अभी टोटल मुरली का सार दो पॉइंट्स में, धारणा युक्त सार क्या होगा? आता है बुद्धि में, अंदर के अवगुण की जांच करके उनको निकालना है। संग दोष से अपनी बड़ी संभाल करनी है। देवता ही गुण धारण कर स्वयं को ऐसा लायक बनाना है। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है और बाप के साथ मंगल मिलन मनाना है। आज का वरदान,
महावीर बनकर संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिमान भव। महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिमान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है, चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिमान वन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजीत बनाने की सेवा करते रहो, तब कहेंगे महावीर। सदा स्मृति रखो, हमको विजयी जरूर बनना है और सभी को विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन, विजयी बनने का साधन बिजी रहना। सदा अपन को सेवाओं में बिजी रखो, सदा मुख से ज्ञान रतन निकलते रहे, दूसरों को आप समान बनाते रहें। तो विजयी बनने का साधन है सेवा में बिजी रहना। स्वकल्याण और विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो वायुमंडल विघ्न विनाशक बनता जाएगा। आज का स्लोगन सदा दिल एक दिलाराम में ही लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। सदा दिल एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। ओम शांति शांति शांति।